जनपद में कोविड 19 के संक्रमण के जांच के लिए फोरेंसिक लैब परिसर में स्थापित कोविड जांच सेंटर का शुभारंभ मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर के अलावा जिलाधिकारी के विजयंत पांड्या, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि फोरेंसिक लैब परिसर में स्थापित कोविड जांच सेंटर 24 घंटा कार्य करेगी। इस सेंटर में कोरोना संक्रमण के जांच के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों के रक्त जांच एवं एक्सरे जांच सहित अन्य सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस केंद्र में एंटीजन के साथ साथ आरटीपीसीआर से भी जांच की सुविधा मौजूद है। मंडलायुक्त ने कहा कि गोरखपुर में अभी तक चरगांव में 24 घंटे जांच का एक केंद्र संचालित था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अन्य बीमारियों के मरीजों के ओपीडी संचालित किया जा रहा है। मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोई समस्या न आने पाए, इसलिए जिला चिकित्सालय के पास शहर के मध्य में एक दूसरे जांच सेंटर की स्थापना किया गया है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर कोरोना का जांच करा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, वजन मशीन भी है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि लोग दो तरह के लोग, एक
एक पॉजिटिव आ जाएंगे। हाँ, एक पॉजिटिव वाले वेट करेंगे और एक जो है कराने के लिए वेट करेंगे। पॉजिटिव वाले का वेट कर सकते हैं, नेगेटिव वाले का नहीं। एक तो हो गया जब टेस्टिंग के लिए आ रहा है, वो इसमें बैठे रहेंगे। जब वो पॉजिटिव आ गया तो उसको थोड़ा वेट करना, अलग बना देंगे। पॉजिटिव केसेस वेटिंग वेटिंग वहाँ रखवा देंगे। अभी हम लोग ऐसा पॉजिटिव पेशेंट को ओपीडी से भी शूट करेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड उनको ज़्यादा लेना होगा। बस एक ये पॉजिटिव के दुखने का कुछ बनवा लीजिए इसके सर, यहाँ भी कर सकते हैं पूरा, लेकिन पार्टी से कराना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है। देखो मिक्सअप हो जाएगा, नहीं कराना चाहिए। और ये बड़ा नेक भी लगाएंगे, टेलीविजन लगाएंगे सर, कल आज नहीं लगाए कि चोरी हो गया। इसमें इसमें आपको बैठने के लिए कुर्सी देखिए बेसिकली आपको जैसे कि पता है गोरखपुर नगर क्षेत्र में चरगावा में एक आपका 24/7 जांच केंद्र कोविड का चल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ओपीडी स्टार्ट हो चुकी हैं और जिला चिकित्सालय में जो भी ओपीडी में लोग आ रहे हैं या सर्जरी या जिस केस के लिए भी लोग आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और डॉक्टर बिना किसी चिंता के उनकी जो भी चिकित्सा सेवा प्रदान करनी है कर सकें, उसके लिए निकटस्थ जो संभव था जिला चिकित्सालय के वहाँ पर एक हम लोगों ने 24 घंटे 24/7 का जांच केंद्र
खोला गया है और इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को जिन्होंने इसको अतिशीघ्र 7 दिन में खड़ा कर दिया है। और ये मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जिला चिकित्सालय में हमारे यहाँ बहुत मरीज आते हैं और ये केंद्र बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है और हम लोग प्रयास यहाँ करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एंटीजन टेस्ट ही नहीं होगा, जिनका निगेटिव सिम्टोमेटिक होगा एंटीजन उनके हम RT-PCR भी लेंगे, इसके साथ साथ हम ब्लड टेस्ट भी लेंगे जो भी सी प्रोटीन और जो भी टेस्ट होने हैं और उसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार हम एक्सरे भी यहां पर कराएंगे। और ये व्यवस्था इन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जो की है ये बहुत ही अच्छी है और बहुत कम फैसिलिटी हैं जो इतनी कॉम्पैक्ट एरिया में शहर के बीचों बीच ब्लड टेस्ट, एक्सरे और कोविड का टेस्ट तीनों एक साथ करेंगे। और इससे मुझे आशा है कि जो हमारा इस समय गोरखपुर जनपद का मृत्यु दर है 1.7 है, इसको हम एक के नीचे और लाने में सफल होंगे और विभिन्न नॉन कोविड जो चिकित्सा सुविधाएँ मरीजों को दी जानी है उसको हम और प्रभावी रूप में। अब एक दिन में इनके पास तो एंटीजन किट अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है कितने लोग आते हैं, बट अभी हम लोगों ने जो लक्ष्य किया है हमें लगता है 200 तक टेस्ट होने चाहिए, लेकिन मुझे आशा है कि जैसे जैसे लोगों को इस केंद्र के बारे में पता चलेगा और क्योंकि ये जिला चिकित्सालय के बहुत पास है और सिटी के हब में है तो ये अच्छा रहेगा। और संभ्रांत परिवार में भी यदि कोई रात में आना चाहता है, किसी को कोई दिक्कत है, 24/7 खुला होने के कारण यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी।